बात नहीं हो पाई है क्योंकि प्रशासन का प्रबंध है और कस्टडी में है वो, और एक कोरोना का प्रकोप भी है जिसकी वजह से मुलाकात नहीं। लेकिन जो प्रशासनिक जानकारी मिली है कि भैया को इस समय बहुत तकलीफ है फिजिकली, उनको जो बीमारियां हैं जिस तरह से उनका ग्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, बस किडनी में स्टोन है, जिस तरह से उनको पेन है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, थोड़ा सा दुखद है। इतना बड़ा नेता जो बिहार के हर जनता की बात उठाता है, हर मौके पे उन्होंने बिहार की जनता को सपोर्ट किया, आज वो आदमी जो दूसरों की तकलीफ सॉल्व करता था, दूसरों की पीड़ा ख़त्म करता था, आज वो तकलीफ में है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे मुझे बुरा ये लग रहा है कि जो बिहार की जनता है, जिसके लिए जिस आदमी ने पूरी ज़िंदगी अपनी दांव पे लगा दी, अब उसके लिए मुंबई से अगर आना पड़ रहा है तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का। मैं खासतौर पर युवाओं से बोलना चाहता हूँ कि अगर अभी भी आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम मुंबई वाले हैं, हमारे राष्ट्रीय पार्टी जी ये भी सोशल एक्टिविस्ट हैं जो उत्तर प्रदेश जौनपुर से आए हैं, हम लोग आएंगे, हमें पता है कि जो व्यक्ति, जो हीरा व्यक्ति है आज बिहार को, उसकी जरूरत है। लेकिन अगर युवा और बाकी लोग अगर नहीं देखेंगे तो फिर हम लोगों को आगे आगे करना पड़ेगा। सर, जब से दूसरा लॉकडाउन, बिल्कुल नहीं, एकदम जीरो सर्विसेज है यहाँ पे, जिस तरह से उनको रखा गया है वो आदमी पीड़ा में करा रहा है। आप सोचिए, कस्टडी में भले उसका, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स है, जो उनके अधिकार है, दवाई का अधिकार है, एक कैदी को भी इलाज होने का प्रॉपर अधिकार है, ये नियम है संविधान में। अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, अभी जैसे पता चला कि यहाँ पे ना सीटी स्कैन है ना एक्सरे है, तो किस चीज़ के लिए यहाँ पे रखते हैं? अब उनको पटना रेफर कर दीजिए, अगर नहीं होता तो फिर कोर्ट भी इस तरह से उनका ट्रीटमेंट कर रही है, जिस तरह से तारीखें नहीं मिल रही हैं सुनवाई के लिए, वो भी एक दुर्भाग्य। अचानक आपको नहीं लगता है कि जो पर्दा हटा एम्बुलेंस से 32 साल पुराना केस उठाकर के अचानक से जेल में डाल देना, वो भी अंडर कस्टडी फिट टेबल, यार दूसरा आदमी निंदनीय है। मुझे लगता है कि अगर आज आदमी अगर सेवा करे, ऑक्सीजन बांटे, किसी की जान बचाए, तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है बिहार ने सेट किया है, अगर आप किसी को ऑक्सीजन दोगे, किसी की जान बचाओगे, तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। सीधा सीधा मैसेज है ये, ना किसी की जान बचाएंगे ना बचाने देंगे। तो ये दमनकारी जो चल रही है, क्योंकि सरकार नाकाम है, अब PMCH चले जाइए, कोई भी अस्पताल, यही देख लीजिए दरभंगा का, एक दवाई के लिए भी यहाँ पे 2-2 घंटा वेटिंग करना पड़ रहा है। इस परिस्थिति में आम जनता की क्या हालत होगी? जो पूर्व सांसद की हालत है, एक जो 3 बार 2 बार सांसद रह चुके, विधायक रह चुके हैं, उस आदमी को अगर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो आम जनता का बिहार आप सोच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम फेल हो चुका है, और उसी का एक उदाहरण पूरे देश के सामने पप्पू यादव की गिरफ्तारी और उनके साथ जो बर्ताव यहाँ पे किया जा रहा है निंदनीय, वो एक उदाहरण देश में दिख रहा है कि बिहार की हालत इस समय क्या है। देश असहाय हो चुका है क्या? एकदम असहाय हो चुका है सर, यहाँ पे कोई अब बचा नहीं है, लाशें गंगा नदी में तैर रही है। आपका अगला स्टैंड क्या होगा? सर, हम लोग अभी आए हैं, और जब तक पप्पू यादव जी की रिहाई नहीं हो जाती, हम लोग बिहार में बैठेंगे, संवैधानिक तरीके से अपना जो अधिकार हमें संविधान ने दिया है उसका इस्तेमाल करते हुए आंदोलन करेंगे, बाकायदा परमिशन लेके आंदोलन करेंगे, और तब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे जब तक कि पप्पू यादव जी को सशर्त और सम्मान के साथ, अब 30 साल पुराना केस निकाल के चले, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन 9 तारीख को आई है कि किसी भी आरोपी को कोरोना काल में अब गिरफ्तार नहीं करोगे, उसके बावजूद जाके यहाँ पे इनको गिरफ्तार किया जाता है। पटना में 5 घंटा इसके लिए बिठाया जाता है क्योंकि उनके पास वारंट खोजा जाता है कि पप्पू जी पे और कौन कौन सी जगह पे वारंट है, उसे लाया जाए ताकि उनको गिरफ्तार करके वहाँ भेजा जाए। एक आदमी जो बीमार है, जो लोगों की मदद कर रहा है, उसको 15-15, 20-20 घंटे ट्रैवल कराते हो, बिठाते हो, और एक ऐसी जेल में जाकर रख देते हो जहाँ से सांप निकल रहे, एक सांसद और ये बिहार की स्थिति दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य है बिहार का, और खासतौर पर मैं बिहार की जनता का और खासतौर पर युवाओं से कहना चाहता हूँ, अगर अभी भी नहीं जागे तो तैयार रहिए, घर में लाशें गिरेंगी और फिर कोई पप्पू यादव नहीं आएगा बचाने के लिए आपका सुखा। ऐसी परिस्थिति में जनता को क्या करना चाहिए? आवाज़ उठाना चाहिए, जो आपका अधिकार है। अगर आज आप ऑक्सीजन के लिए जाइए ना, मांग लीजिए यहाँ पे सरकार से, JDU से मांग लीजिए, या जो बिहार की सरकार उससे बोलिए ऑक्सीजन दीजिए। अगर ऑक्सीजन मिल रही होती तो पप्पू यादव क्यों सड़कों पे होता? ऑक्सीजन का बाटला लेके, दवाई लेके, पानी का बोतल लेके, खाना लेके क्यों होता? सर, लेकिन ये सरकार तो डरा रही है, दिल्ली में अभी 25 लोगों पे FIR हुआ। भैया FIR तो देखिए होगा, देखिए FIR होना कोई बड़ी बात नहीं, हम पे 25-25 FIR है, इसका मतलब हम चुप हो जाएंगे? हमारा जो अधिकार है, FIR आप साबित करिए, पुलिस का काम है FIR लेना 100%, और नहीं है।